आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। कर्नाटका इंग्लिश मीडियम स्कूल में साइंस एग्जीबिशन और आर्ट फेस्टिवल का आयोजन। द डेस्टिनी ऑफ द नेशन मेक्स इन द क्लासरूम, यानी देश का भविष्य क्लासरूम में निर्माण होता है। इसे निर्माण करने वाले कोई और नहीं बल्कि एक प्रतिभावान शिक्षक होता है। देश के भविष्य के निर्माण के लिए बच्चों में छुपी प्रतिभा को पहचान कर उसे उड़ान देकर बच्चों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक जिम्मेदार शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। एक ऐसी ही मिसाल शहर बीजापुर के अफजलपुर टक्के जत कॉलोनी में मौजूद KEM कर्नाटका इंग्लिश मीडियम स्कूल की है। कर्नाटका इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रेसिडेंट और इस स्कूल की प्रिंसिपल शहनाज की लीडरशिप में यहाँ के टीचर्स बड़ी ही मेहनत से इस स्कूल की तरक्की में अपना योगदान देते हुए बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। करिकुलर एक्टिविटीज के साथ अगर बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज में भी भाग लेंगे तो बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी करके बच्चों को आसमान छूती बुलंदी हासिल करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसी प्रिंसिपल को आगे रखकर इस स्कूल में साइंस एग्जीबिशन और आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें मासूम प्रतिभावान विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपने अंदर छुपी प्रतिभा को प्रस्तुत करते हुए टीचर्स के आउटपुट और अपने स्किल डेवलपमेंट की मिसाल पेश करके आए हुए अतिथि और पेरेंट्स का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 2 के कॉरपोरेटर अल्ताफ इडगी और बीजापुर के मशहूर गुम्मट नगरी डेली कन्नड़ा न्यूज़पेपर के मैनेजिंग एडिटर इरफान शेख ने नए जमाने के नए बच्चों के स्किल्स देखकर इनके अच्छे भविष्य के लिए इन्हें खूब सराहा। इस अवसर पर बात करते हुए कर्नाटका इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल शहनाज, इस स्कूल के कार्यदर्शी मोहम्मद आसिफ, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इरफान शेख और CRP बसवराज श्रीशैल पड़गानु ने कर्नाटका इंग्लिश मीडियम स्कूल के इस साइंस एग्जीबिशन और आर्ट फेस्टिवल के बारे में जानकारी देते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं KEM कर्नाटका इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, जो अफजलपुर टक्के में है। हम लोग आज ऑर्गेनाइज किए हैं आर्ट्स एंड साइंस एग्जीबिशन, जो कि स्टूडेंट्स को इंटरनल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। सब लोग बोलते हैं स्टडी स्टडी, हर स्कूल में स्टडीज़ होते हैं, लेकिन साइंस और आर्ट्स एग्जीबिशन, इस तरह के एग्जीबिशन स्टूडेंट्स को बहुत आगे काम आते हैं। सो आई बिलीव कि हर स्कूल में ऐसा एक एग्जीबिशन होना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स आगे बढ़ें और अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालें। थैंक यू। शहनाज। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज पुष्पा प्रसाद, आई एम स्टडिंग इन फोर्थ स्टैंडर्ड फ्रॉम कर्नाटका इंग्लिश मीडियम स्कूल। माय मॉडल नेम इज पार्ट ऑफ सर्कल सेंटर। द कनेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ प्लेन व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड द सर्कल। रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल टू द सर्कमफेरेंस। डायमीटर, board which passes through center of the circle is called diameter. Heart is the most important organ of the circle. The heart is roughly the size of our fist. The heart is the Oh,
global wind day is celebrating on 15 June every year. It is greater than the weather. जो गेस्ट आते थे ना प्रेसिडेंट के हाउस में, वो अपने पगार से उन्हें पे करते थे, इससे ईमानदार हमारे प्रेसिडेंट थे। विद्यालय बनाने में मॉडल बनाने में कौन कौन हेल्प करें आपको? चाचा, वेरी गुड चाचा, और तुम्हारे लिए बहुत बहुत अभिनंदन। Water, 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 water
टॉपिक इज एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन मीन्स ऑल थिंग्स द एयर विद डस्ट एंड अदर कार्बन पार्टिकल्स. इट डिक्रीज ऑल क्वालिटीज ऑफ एयर. एयर पॉल्यूशन क्रिएट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. इट मेक्स द एनवायरमेंट डर्टी. इट ऑल्सो अफेक्ट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स. हेल्थ प्रॉब्लम ऑल्सो. थैंक यू. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ? ದಿಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. आज बीजापुर शहर के जो अफजलपुर तकिया है यहाँ पे एक साइंस एंड आर्ट एग्जिबिशन कर्नाटका इंग्लिश मीडियम स्कूल में चल रहा था. इसमें उद्घाटक हमारे अल्ताफ इटगी साहब और इस प्रेसिडेंट इस कर्नाटका स्कूल के प्रेसिडेंट और हमारे साथी जत साहब और तमाम टीचर्स का स्टाफ मौजूद. उनके मौजूदगी में एक जो ये साइंस का एग्जिबिशन था और ये जो आर्ट एग्जिबिशन साइंस एंड आर्ट एग्जिबिशन जो बहुत ही बेहतरीन दिल को इतना छू गया कि बच्चों ने
जो ये हार्ट का हो, अलग अलग चीज़ें, ताजमहल हो, अब्दुल कलाम के बारे में जानकारी हो, कई कई मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा है। इतने मॉडल्स कहीं नहीं, अच्छे अच्छे स्कूलों में भी अच्छे अच्छे माने ये सबसे अच्छा है ये एरिया का, लेकिन जो नामवर स्कूल है उन्हें में भी इतना ज़्यादा मॉडल्स नहीं बनाया। जो साइंस के बारे में ये बच्चों में जो क्रेज़ पैदा किया जा रहा है, जो आर्ट के बारे में जो बच्चों में क्रेज़ पैदा किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिन में ये बच्चे साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, क्योंकि इनमें ये जो क्रेज़ बन रहा है, जो प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, प्रैक्टिकल से बच्चों का जहन बहुत अच्छा बन रहा है। तो मैं इस स्कूल के जो भी मैनेजमेंट है इनको पहले तो बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने ये साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया। इनके जो टीचर्स और स्टाफ है उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने ये साइंस एग्जीबिशन कंडक्ट किया है। तो इस तरह से ये स्कूल और भी तरक्की करे, ऐसे हम दुआ करते हुए मैं इनको बधाई देता हूँ। और इरफान शेख नानु बसवराज ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಡಗಾನವಂತ ಈ 28 ನಂಬರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 28 ನಂಬರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಜತ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಟಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್, ಈಗ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೈನ್ಸ್ದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ದಿಂದ ಇನ್ಕರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ಇನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಕರೇಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಟಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕರೋನಾದಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಅತ್ತೇಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾನು.
रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।